बिहार सरकार ने 2019 में 9130 की नर्स ए ग्रेड की बहाली निकाली थी, उसमें से हमारे 5208 का रिजल्ट निकाला और बाकी 4000 वैकेंट सीटों में हमारे को नहीं लिया। और जबकि तैयार ही नहीं है, मंगल पांडे खुद बोलते हैं जो ये हमारे हाथ में नहीं है, तो वो स्वास्थ्य मंत्री है और वो खुद ही बोल रहे हैं जो मेरे हाथ में नहीं है तो फिर किसके हाथ में है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है कि अस्पतालों में 7500 नर्सों की तैनाती जल्द होगी और 5200 का ही रिजल्ट निकाला गया है, जबकि बीएनआरसी के काफी बच्चे छूट गए हैं और इस रिजल्ट में काफी धांधली की गई है। कोई भी कोटिवार चयन नहीं किया गया, जिसको जहां उठाया वहां रख दिया गया है। नियम तो कोई भी मतलब कोई रिजल्ट नहीं बना नियम के अनुसार। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण, द बिहार मेल के लिए। वैसे तो राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में आज समीक्षा बैठक होनी है पार्टी की, नेता प्रतिपक्ष आए हैं, पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो विधायक हों या इस बार जो विधानसभा के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से प्रत्याशी थे, मगर यहाँ कुछ लोग हैं जो प्रदर्शनकारी इससे पहले आश्रित संघ वाले भी थे और ये अब BTSC के द्वारा स्टाफ नर्स ग्रेड के। इन लोगों से बात करते हैं, क्या मसला है और क्यों ये लोग यहाँ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन टेलर है, मैं राजस्थान से हूँ। बिहार सरकार ने 2019 में 9130 की नर्स ए ग्रेड की बहाली निकाली थी, उसमें से हमारे 5208 का रिजल्ट निकाला और बाकी 4000 वैकेंट सीटों में हमारे को नहीं लिया। और जबकि BTSC का कहना था कि हमारे पास 7500 BNRC कैंडिडेट है और उन्हीं का रिजल्ट शो होगा, बाद में उन्होंने 5000 का प्रेषित रिजल्ट शो करते हैं और हमारे को नहीं लिया जाता है। हमारा यही कहना है कि BNRC जो बच्चों के कैंडिडेट है उनको लिया जाए और हमारे को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए। BTSC क्या होता है? BTSC है बिहार तकनीकी सेवा आयोग। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ए नर्स ग्रेड की 9130 पर वैकेंसी निकाली गई थी। अच्छा, तो आप भी उसी में से हैं? यस, है ना। तो ये महिलाएं हैं यहाँ पर खड़ी, कहाँ से आई हैं आप? मुजफ्फरपुर से। तो वहाँ किस अस्पताल के साथ आप जुड़ी हुई? प्रसाद हॉस्पिटल है। अच्छा जी, वहीं पे। तो अभी क्या मसला आ गया आप लोगों का? मसला हम लोग का है जो मतलब 9130 ए ग्रेड स्टाफ का जो वैकेंसी निकला था, जिसमें इन्होंने 5000 का ही रिजल्ट दिया, 4000 सीट अभी भी वैकेंट है और इन्होंने मुद्दा रखा था जितने भी BNRC वाले कैंडिडेट है उन सब का सिलेक्शन हो चुका है, जबकि सारे BNRC वाले ही हम लोग बचे हुए हैं। अच्छा। और इनका कहना है जो BNRC अब किसी कैंडिडेट के पास है ही नहीं तो फिर हम लोग कैसे हैं? हम लोग का अपनी तमाम मांगों के लिए लोग सत्ता पक्ष के पास या सरकार के पास जाते हैं, क्या आप लोग उधर गए या सीधे इधर ही चले आए? नहीं, हम लोग उधर 4 महीने से दौड़ रहे हैं। 14 अगस्त को इन्होंने रिजल्ट जारी करवाए थे, लेकिन 14 अगस्त से हम लोग दौड़ रहे हैं वहाँ पे, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं है। मंगल पांडे खुद बोलते हैं जो ये हमारे हाथ में नहीं है, तो वो स्वास्थ्य मंत्री है और वो खुद ही बोल रहे हैं जो मेरे हाथ में नहीं है तो फिर किसके हाथ में है। आप कहाँ से आई हैं? हम समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर जिला जी। कितने सालों से ANM का काम करती हैं? GNM है हम लोग, ANM नहीं है। ठीक है, GNM का काम नहीं कर रहे हैं अभी। अच्छा। अभी वैकेंसी निकली है, अप्लाई किए हैं 9000 सीट का। अच्छा। जिसमें 4000 सीट को दिया गया है जॉब, 4999 को अभी भी उसमें वैकेंट है। हम लोग की मांगे यही है कि वो सीट, खाली सीट हम लोग को पूरी कर दी जाए। अच्छा। क्या कह रहे हैं? वैकेंसी निकालते समय फॉर्म जब फिलअप किया गया था तो उसमें मतलब लिखा गया था कि मतलब जिनके पास BNRC रहेगा वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। तो बिहार सरकार ने एक मतलब डाटा निकाला था जिसमें एक डेट फिक्स की थी कि मतलब 17 मार्च से पहले जिनका मतलब BNRC स्लिप होगा वही मतलब सिलेक्शन मतलब चयनित होंगे। मतलब बिहार सरकार ने एक मतलब रेशियो निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि मतलब 7500 लोगों का हमारे पास BNRC है और उसमें उन्होंने 5200 लोगों का ही लिस्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने बोला कि मतलब 5200 लोगों का हमारे पास वो क्या BNRC था, इसके लिए हम लोगों ने 5200 लोगों का लिस्ट आउट किया है, जो कि आज के डेट में हम लोग जितने भाई GNM के हैं मतलब जितने अप्लाई किए थे सभी लोग हैं, 17 मार्च से पहले मतलब BNRC करवा लिया था। आज के डेट में उन लोग के पास BNRC सर्टिफिकेट होते हुए भी मतलब वो चयनित अभ्यर्थी नहीं है। अच्छा। मतलब बिहार सरकार से हमारा एक गुहार है कि मतलब
बिहार मतलब बिहार में रजिस्टर होने कारण और बीएनआरसी होते हुए भी हमारा मतलब चयन किया जाए, बिहार सरकार से हमारी यही मांग और गुहार है सर। ठीक है, कहाँ से आए हैं आप? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से, समस्तीपुर का लोग ज्यादा लोग आए क्या? अब ये तो हम लोग बचे होंगे बीएनआरसी वाले तो आए हुए हैं। यहाँ किन से आकर के मिली हैं? जैसे अभी तो आप लोग आरजेडी कार्यालय आए हुए हैं, उससे मंगल पांडे जी से, स्वास्थ्य मंत्री से मिले हैं, राज्यपाल से मिले हैं, बीटीएस ऑफिस में जाकर मिले हैं, कहीं से भी कोई हाँ सारे लोग हाथ उठा दिए तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। चार महीनों में हम लोगों ने कम से कम 20 बार जा चुके हैं, 6-7 बार तो हम लोग मंगल पांडे के यहाँ गए। मंगल पांडे जी कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब बीटीएससी के पास जाओ। बीटीएससी के पास जाते हैं तो उन्होंने कहता है कि मैं एक आयोग हूँ, मैं रिजल्ट आउट किया और भी मतलब स्वास्थ्य जी को मंत्री जी को दे दिया। तो बीटीएससी कहती है मंगल पांडे के यहाँ जाओ, मंगल पांडे जी कहते हैं कि बीटीएससी के पास जाओ। ऐसे ही कम से कम 4 महीने से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ आए हैं तो यहाँ से कोई उम्मीद है? यहाँ पे हम लोग बहुत सी आशाएं और उम्मीद लेकर आए तेजस्वी यादव जी तक कि हमारी मतलब प्रॉब्लम को सुना जाए और ये जो नर्सों का ग्रेड ए का रिजल्ट मतलब कि जल्द से जल्द। कितने लोग आप लोग इस पूरे कार्यक्रम की वजह से परेशान हैं सर? जैसे इसमें 600-700 लोग हैं और मतलब बिहार सरकार जो एक रेशियो निकाली तो इस हिसाब से 5200 लोगों का मतलब चयन किया गया है। उन्होंने एक लिस्ट जारी किया था जिसमें बोला था कि मतलब मेरे पास 7500 लोगों का मतलब बीएनआरसी है, उसके बावजूद भी मतलब सिलेक्शन नहीं है। तो बिहार सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे रिजल्ट को चालू किया गया है। देखिए हमारे पास ज्ञापन भी देखिए बीटीएससी नाम बताइए। ये जो है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपना बताइए। सत्य प्रकाश राय जी कहाँ से आए हैं? सत्य जी बक्सर से आए हैं। ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है कि अस्पतालों में 7500 नर्सों की तैनाती जल्द होगी और 5200 का ही रिजल्ट निकला गया है, जबकि बीएनआरसी के काफी बच्चे छूट गए हैं और इस रिजल्ट में काफी धांधली की गई है। कोई भी कोटिवार चयन नहीं किया गया, जिसको जहां उठाया वहां रख दिया गया है। नियम तो कोई भी मतलब कोई रिजल्ट नहीं बना नियम के अनुसार। दूसरी बात यह है कि जिसमें बीएनआरसी केवल आधार था कि भर्ती में कि इसमें जिनके पास बीएनआरसी होगा उनका रिजल्ट जारी होगा, उन नौकरी पाएंगे, और हमारे पास बीएनआरसी होते हुए भी हमको नौकरी नहीं मिली। दूसरी बात है कि जिस भर्ती में 10,000 पद हो, 9,000 पद हो और उसमें कैंडिडेट ही 7,500 मिलते हैं तो उसमें कट ऑफ का मुद्दा कहाँ से उठता है? जिसमें जितनी भर्ती जितनी सीटें हैं उतने अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो उसमें कट ऑफ का वो उठता ही कहाँ है? बीटीएससी सचिव के पास जाते हैं तो बीटीएससी के पास जाते हैं तो बीटीएससी कहते हैं कि वो स्वास्थ्य विभाग करेगा। स्वास्थ्य विभाग के पास जाते हैं तो स्वास्थ्य विभाग कहते हैं कि हम लोगों ने तो सब बीटीएससी को दे दिया है। यही 4 महीने से कभी बीटीएससी, कभी स्वास्थ्य विभाग, कभी मुख्यमंत्री, कभी स्वास्थ्य मंत्री, कभी राज्यपाल, कभी उप मुख्यमंत्री, दौड़ते दौड़ते हम लोग थक गए हैं। लास्ट में तेजस्वी भैया पे उम्मीद लगा के आए, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी या न बनी हम युवाओं के साथ रहेंगे और युवाओं के जो बेरोजगार हैं उनके साथ रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि वो हम लोग की बातों को सुने और हमारी मांगों को अनसुनी बहरी सरकार को सुनाए ताकि हम लोग का भला हो सके। तो ये तमाम जो है अभ्यर्थी हैं और जो अलग अलग अस्पतालों के लिए काम करते रहे हैं, काम करने की इनकी चाहत है, मगर इनका जो कंसर्न है वो यही है कि अलग अलग जगहों पर हमें भागना दौड़ना पड़ रहा है। हम स्वास्थ्य विभाग के पास भी गए, स्वास्थ्य मंत्री के पास भी गए, राज्यपाल के पास भी गए, एक आयोग है जो जिसके पास गए थे, मगर हमारी कहीं बात नहीं सुनी जा रही है। तो हम ये जो है राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय आए हैं, नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात करने आए हैं, अपनी बात कहने आए हैं। हमें उम्मीद है कि उनके माध्यम से हमारे जो तमाम कंसर्न्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा। द बिहार मिल के लिए पटना राजद कार्यालय से आयुष के साथ मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।